डियर स्टूडेंट, आज हमारे कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। आज हम एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 करेंगे। स्टार्ट करते हैं 7.4 के क्वेश्चन जी से। 7.4 के क्वेश्चन एफ तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिए थे एंड क्वेश्चन जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 14/5 एंड 2/3 सो दैट द डिफरेंस इज 1/2। तो इसने बताया कि 14/5 एंड 2/3 के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि डिफरेंस 1/2 आ जाए। तो पहले इनका सम कर लेते हैं। सम करने के लिए जब भी बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता है तो हमेशा याद रखना एलसीएम लिया जाता है। तो 5 और 3 का एलसीएम लेना, तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिखेंगे पहले। 5 की टेल में 15 3 टाइम्स, तो इसमें 3 से इंटू। 3 की टेल में 15 5 टाइम्स, तो इसमें 5 से इंटू। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 42 एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 10/15। तो इन दोनों का सम आ जाएगा 52/15। ठीक है, कोशिश करना कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सके। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। इससे ज्यादा इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। 15 3 के 5 के एंड 15 के डेल में आता है। 3 के डेल में ना तो ये आता है, ना 5 के डेल में आता है और ना ही 15 के डेल में आता है। तो इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी हमको करना है डिफरेंस किस किस का, इसका और एक नंबर हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया x का। तो इसने बोला था कि इन दोनों के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें या किसका डिफरेंस करें कि जो डिफरेंस है वो ये आ जाए। ठीक है, तो हमने लेट करना है सबसे ऊपर स्टेटमेंट लिख लिया नंबर लेट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स टू x। तो x सब्ट्रैक्ट करना है यहां से। अब सब्ट्रैक्ट करना आपको बताइए कैसे सब्ट्रैक्ट कर दें। 52/15 माइनस एक्स आ जाएगा 3/2। तो x इधर ही रहने देना है और नंबर को उठा के ले जाएंगे इस साइड। ठीक है, तो अभी एलसीएम लेना है 2/15 का एलसीएम 30, 2 के डेल में 30 तीन बार में एंड 15 के डेल में 30 टू बार में। तो माइनस ये आ गया माइनस का 45 एंड ये आ जाएगा माइनस का 104/30। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 9 एंड इधर 9/5 59/30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 59/30। ठीक है, तो x की वैल्यूज में बोला था नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स टू 59/30। नेक्स्ट बोला अबे डेट 3/8 ऑफ द वर्क ऑन मंडे एंड द रेस्ट ऑन ट्यूजडे। तो हाउ मच वर्क डेट अबे डू ऑन ट्यूजडे। बहुत सिंपल है, तो लेट कर लेते। देखो सीधा लिखेंगे, सीधा लेट थ्री नहीं करता है। हमने मान लिया वर्क एक था, एक काम करना था उनको, उसने एक काम का 3/8 कर लिया तो कितना बच गया। तो जितना बचा उसने वो ट्यूजडे को किया। तो यहाँ लिखेंगे अबे डू या अबे डिड द वर्क ऑन ट्यूजडे इक्वल्स टू 1 में से जितना उसने मंडे को करा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देना तो कितना बचा 5/8। 5/8 जो है उसने ट्यूजडे को किया। ठीक है, रमन टू 5/9 टू वॉश ए क्लोज ऑफ द फर्स्ट बैग। ठीक है, रमन जो है 5/9 लेता है फर्स्ट बैग के कपड़ों को वॉश करने में, साफ करने में। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है 2/3 लेता है टू वॉशेज द क्लोज ऑफ सेकेंड बैग, और दूसरे बैग के कपड़ों को साफ करने में 2/3 लेता है। तो इसने बोला है हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू वॉश द क्लोज ऑफ द बोथ बैग। तो अगर वो दोनों बैग के कपड़ों को साफ करता है तो वो टोटल कितना टाइम लेता है। तो फर्स्ट बैग में लेता है 5/8 5/9 और सेकंड बैग में लेता है 2/3। तो दोनों को उसने अकेले साफ किया है तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा निकल के, है ना। जैसे सपोज आप ही हो घर में कपड़े धो रहे हो, कोरोना है लॉकडाउन है तो कपड़े धो लिए अपने, तो कपड़े धो रहे हो जैसे पहले बैग के कपड़े धोने में आपको 2 घंटे लग गए, दूसरे बैग के कपड़े धोने में 3 घंटे लग गए। कोई पूछेगा कितना टाइम लग गया टोटल, तो बोलोगे 5 घंटे लग गए। तो सिमिलरली पहले बैग के कपड़े धोने में इतना टाइम, दूसरे बैग के कपड़े धोने में इतना टाइम, टोटल टाइम निकालने के लिए ऐड कर देंगे। सेकेंड
क्वेश्चन नंबर फोर, ए कंटेनर कैन होल्ड 12/70 liter ऑफ वाटर, एक कंटेनर में 12/70 liter पानी आ सकता है या उसको उसके अंदर आ सकता है वो, तो आउट ऑफ दिस 2/9 liter ऑफ द वाटर स्पिल्ड आउट, उसमें से 2/9 जो है निकाल दिया हमने, तो हाउ मच वाटर वॉज लेफ्ट इन द वेसल, तो कितना पानी बचा टोटल में से जितना निकाल दिया माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना पानी बचा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.5 पे आ जाते हैं अभी हम, 7.5 भी बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, बस आपको ना जो भी मैंने अभी तक बताया है उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी पूरी रिकॉल करने में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए मिक्स फ्रैक्शन हैव द फॉर्म ऑफ 2/6/3, क्या मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो देख लेते हैं, देखो जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो ये जो होता है ये होता है क्वेश्चन और ये होता है रिमाइंडर और ये होता है हमारा डिवाइजर, तो रिमाइंडर अगर डिवाइजर से बड़ा है तो इसका मतलब है उसको और डिवाइड किया जा सकता है ना। सपोज यहाँ पे कुछ भी डाउन थी हमको नहीं पता, पर यहाँ पे थ्री, यहाँ पे सिक्स आ जाता है, यहाँ पे थ्री आ जाता है, तो इस सिक्स को तो डिवाइड किया जा सकता है ना, तो यही चीज इसने यहाँ लिखी है, तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, अदरवाइज वो जो पूरी फॉर्म मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई है वो गलत है, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसको देखो कैसे सॉल्व होगा, 3 × 6 एंड 6 12, और 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, पूरा पूरा सॉल्व हो गया, तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखना मिक्स फ्रैक्शन में अगर हमने कभी भी लिखा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है मतलब जो रिमाइंडर आता है शुड बी लेस देन द डिवाइजर, इसका आंसर है नो, ठीक है। जस्टिफाई करने के लिए सॉल्व करके दिखा दो, ये लोग हो गया जस्टिफाई, जस्टिफाई करके आंसर 4 आता। आगे बोला फ्रैक्शन कैन हैव ओनली फाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या एक फ्रैक्शन के फाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं? मतलब जैसे एक कोई फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3, तो इसकी इक्विवेलेंट केवल उतनी, मतलब इसके केवल इतने ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। फाइनाइट मतलब डेफिनेट है ना, फाइनाइट मतलब फिक्स्ड, तो क्या इसके फिक्स्ड ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे? देख लेते हैं करके, तो अगर मैं इसमें 2/3 में 2 से इंटू कर दूं तो 4/6 आएगा, वो भी इसी के इक्विवेलेंट है, सॉल्व करके 2/3 आ जाएगा। अगेन इसमें मैं 2 से इंटू कर दूं 8/6, 2 से इंटू करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ, गिनती कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो ये कभी भी फाइनाइट नहीं आएगा, ये आएगा इनफाइनाइट, है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है ही नहीं, जितने भी नंबर आते रहे इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, ये सारे इक्विवेलेंट ही है, इसको सॉल्व करो 4/4 मतलब 8/6 है ना, तो 2/4 जा 8 एंड 2/3 जा 6 6 6 6 12 आएगा पहले तो यहाँ पे, तो 4 से काटूंगा मैं 4/4 से 4 पूछा 4/3 जा अगेन बिल्कुल सेम आ गया, तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और इसने बोला था ये फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मतलब फिक्स होंगे, फिक्स नहीं होंगे, आप सबसे 2 से इंटू करते चले जाओ ये इंक्रीज होते चले जाएंगे होते चले जाएंगे, कभी भी फिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, फ्रैक्शन क्या वैल्यू ओनली फाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो नो। तो वैलिडेट करने के लिए, हमेशा वैलिडेट करने के लिए एग्जांपल दो, एग्जांपल ये रहा, चेक करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑन द फ्रैक्शन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बनानी है फ्रैक्शन में, उसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। सपोज तो एक प्रॉब्लम बना लेते हैं हम, तो वी परचेज सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, वी परचेज 10 एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट एंड 3 एप्पल्स ऑफ विच आर रॉटन, 3 एप्पल उसमें से सड़ गए। अगर कोई हमसे पूछता है देन द नंबर ऑफ द एप्पल्स विच इज फाइन और विच इज इन गुड कंडीशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/10 है ना, 10 एप्पल खरीदे थे 3 सड़ गए, तो जो एप्पल्स जो गुड कंडीशन में है वो कितने हो गए, 7/10 हो गए, ठीक है। तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बना ली हमने अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4, ऐड करना है 1/8 एंड 3/8 पिक्टोरियली, मतलब ये कैसे पिक्टोरियली, यूजिंग पेपर फोल्डिंग। अब पेपर फोल्डिंग तो आपको बनानी है, आइडिया हम दे देते हैं, ठीक है, पेपर आप फोल्ड करते रहना, तो आइडिया ये रहा, पेपर ऐसे फोल्ड करना कि ऊपर की तरफ से तो
ऐसे आ जाए, है ना। और यहाँ पे चार वो हो, 1 2 3 इधर 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 ऐसे 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और इसने बोला था 1 upon 8 तो ये हो गया जी 1 upon 8 तो 1 upon 8। नेक्स्ट दूसरे वाले में भी बना दो ऐसी, पेपर वेपर आप फोल्ड करते रहना इसको, इस तरीके से कर लेना वो जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। फोल्ड आपको करने करना ऐसे है, ये लो जी हो गए 3 upon 8 ठीक है। देखो इसमें था 1 upon 8 तो 1 teeth आगे की तरफ, इन रेस्ट 8 teeth बैक साइड में। इसमें था 3 upon 8 तो 3 teeth आगे की तरफ और बाकी के रिमेनिंग 8 teeth बैक साइड में। अब इसको हमको ऐसे जोड़ देना है, तो जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो ये पूरा एक कंबाइंड शेप बन जाएगी ऐसे करके, और इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, एक लाइन इधर, ठीक है, एक इधर ही वाली और एक इधर वाली, और ये बन जाएगा 1 2 3 तो 1 2 3 4 काउंट कर लेना सारे बॉक्स। देखो तो हमने दो डिफरेंट फिगर्स, दो डिफरेंट शेप्स को रेशो में ले लिया, 1 upon 8 1 upon 8 and 3 upon 8 उनको कंबाइन किया तो एक पर्टिकुलर शेप आ गई बन के। तो यही तो हमें करना था, ठीक है। एक पर्टिकुलर शेप ही इसने बोला 3 upon 8 हाफ हाफ शेप आएगी, तो देखते हैं कैसे। 1 upon 8 plus 3 upon 8 इसको सॉल्व करेंगे तो 8 LCM तो 1 plus 3 तो ये दोनों ऐड हो गए 4 upon 8 तो 1 upon 2 तो हाफ शेप आ जाएगी। मतलब हाफ शेप नहीं आएगी, आपको ऐसे दिखाना बना के, ठीक है। उसको कर लेना जैसे भी करवाओ, पेपर फोल्ड होल्ड करके, पेपर फोल्डिंग एग्जाम में तो आती नहीं है पर हाँ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज 8 लीटर, एक बर्तन की कैपेसिटी 8 लीटर है, 8 लीटर। और इसमें बोला राउंड फिल्ड 4 upon 7 ऑफ द वाटर एंड देन संयुक्ता फिल्ड 3 upon 7 ऑफ इट, ठीक है। राहुल ने इसमें 4 upon 7 डाल दिया एंड संयुक्ता ने इसमें 3 upon 7 डाल दिया, ठीक है। कैन मोर वाटर बी फिल्ड इन द वेसल, तो क्या इसमें और पानी भरा जा सकता है। स्टेटमेंट आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है टोटल कैपेसिटी ऑफ द, टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ठीक है। हम बोल रहा हूं मैं, आपको लिखना है टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ठीक। उसके बाद लिखना है राहुल फील्ड, राहुल फील्ड इक्वल्स टू इतना, संयुक्ता फील्ड इक्वल्स टू इतना, ठीक है। टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी बोथ हैव फील्ड, तो दोनों ने मिलकर कितना भर दिया 4 upon 7 एंड प्लस 3 upon 7 7 upon 7 मतलब 1 लीटर भर दिया दोनों ने, है ना, 1 लीटर दोनों ने भर दिया। अब आगे इसने बोला है कि क्या इसमें और पानी आ सकता है, तो यस ऑब्वियसली आ सकता है, 8 लीटर की कैपेसिटी है, 1 लीटर तो भरा है, तो यस लिख लेना इसमें, ठीक है। तो यस हाउ मच मोर, तो इसने बोला है कितना और आ सकता है, तो 7 लीटर मोर कैन बी फिल्ड, ठीक है। 7 लीटर और इसमें भरा जा सकता है क्योंकि 8 लीटर कैपेसिटी है ना, 1 लीटर भरा है तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 लीटर मोर वाटर कैन बी फिल्ड इन इट, फिल इन इट, कैन बी फिल इन इट। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर रश्मि रियलाइज दैट शी दैट 6 upon 5 द डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट एंड रश्मि ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। हमको क्या बताना है, हमको बताना है यस क्या रश्मि का ऑब्जर्वेशन करेक्ट है या नहीं है। देखो क्वेश्चन इजी है, बहुत ध्यान से समझना, इसमें क्या लिखा है छोड़ दो देर के लिए, अपने दिमाग से सोचो। हमने मान लिया कि उसको 60 किलोमीटर चलना था, 15 चल गई वो, कितना बचा 5 and 5 45 और बचा, 45 और बचा, तो इसका मतलब है उसको 45 और बचना, मतलब और बचना चाहिए था। पर इसने क्या बोला, इसने बोला रश्मि रियलाइज्ड दैट 6 upon 5 द डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट, कि 6 upon 5 और बची है उसके हिसाब से, रश्मि के हिसाब से,
तो हमारे हिसाब से तो 45 बची है, रश्मि के हिसाब से 6 अपॉन 5 ऑफ द डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट, कि डिस्टेंस का 6 अपॉन 5 और बचा है, तो डिस्टेंस कितनी थी 60, तो इसका 6 अपॉन 5 करके देखते हैं, इसका 6 अपॉन 5 तो 72 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस ही 60 किलोमीटर है, 6 अपॉन 5 तो उसको बच ही नहीं सकता, है ना, 6 अपॉन 5 अगर मैं 60 का करूंगा तो 72 किलोमीटर आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि रास्ता घर तुम्हारा 60 किलोमीटर पे है तो पहले आप 6 किलोमीटर आगे चले गए फिर 6 किलोमीटर वापस आ गए, तो ऐसा तो नहीं करोगे, इतना पुलिस तो कोई नहीं होता, जितना घर है उतना ही तो जितनी डिस्टेंस आपकी आपके स्कूल से घर की है उतना ही तो ट्रेवल करोगे आप, 60 किलोमीटर से 60 किलोमीटर ही जाओगे, तो यहाँ पर भी रश्मि को 60 किलोमीटर जाना था, 15 वो चली गई, 45 बचा हुआ है, तो अगर इसने स्टेटमेंट दी है जो उसके हिसाब से सॉल्व करके 45 आना चाहिए था, पर इसने बोला कि 6 अपॉन 5 ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का 6 अपॉन 5 हमने करके देखा तो वो तो 72 किलोमीटर आ रहा है, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट गलत है, तो इसने बोला है कि इज रश्मि's ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, तो नो नो लिखेंगे नो, और एग्जाम्पल आप दे देना, लेट कर देना, लेट टोटल डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, शी ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर, देन द रिमेनिंग डिस्टेंस शुड बी 45 किलोमीटर, बट व्हेन वी सॉल्व 6 अपॉन 5 ऑफ द 60 देन द आंसर विल बी 72, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस, मतलब बची हुई डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर है नो, रश्मि's ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट। एक बोला है टू फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर, लेट करते हैं अपनी तरफ से, लेट दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, 3-3 लेट कर लेते हैं, या 8-8 कर लेते हैं, एक फ्रैक्शन ये रहा और एक फ्रैक्शन ये रहा। आगे बोला है विद द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, मतलब जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज्यादा है वो फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से, अब हमारे हिसाब से हम देख लेते हैं, देखो बहुत सिंपल सी मैं बात बता दो, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर है जिसका बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, एक नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक को हम 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, 8 को 5 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो किस कितनों को, मतलब इनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको कम हिस्सा मिलेगा, 8 ही टॉपिक थी उसको 4 लोगों में बांटा, 8 टॉपिक को 5 लोगों में बांट दिया, तो 4 लोगों में तो 2 मिलेगी, 5 टॉपिक में वो 1.5 से भी कम मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए हमारा, और वैसे भी अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो दोनों के, मैंने बताया था ना कैसे सॉल्व करते हैं कि पता ही चलता है छोटा है या बड़ा है, दोनों के न्यूमरेटर को लिख देंगे, इसका न्यूमरेटर ये रहा इसका ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका आएगा 40 इसका आएगा 32, तो आप ही बताओ कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है, और 40 वाला कौन सा था, ये जिसका न्यूमरेटर छोटा था, तो इसमें लिख देंगे नो नो लिखेंगे नो, द फ्रैक्शन हूज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर इज नॉट ग्रेटर देन द फ्रैक्शन हूज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, ठीक है, एग्जाम्पल मेरा दे देना एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको एक बार दोबारा लिख देना ऐसे करके, दोबारा से लिख के ये बॉक्स के अंदर बना दो एरो बड़े वाले की तरफ, ठीक है, यहाँ पे लिख देना स्मॉलर डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिख देना ग्रेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, और वैलिडेट ये बोला ना, वैलिडेट ये वैलिडेट कर दिया हमने। आगे बोला वर्कर यूजेस 3/1/3 ऑफ द 45 ml ऑफ पेंट टू पेंट ए बोर्ड, हाउ मच पेंट वॉज लेफ्ट इन द कैन ऑफ 700 ml, ठीक है, इसने बोला वर्कर ने यूज किया 3/1/3 ऑफ 45 ml ऑफ द पेंट टू पेंट ए बोर्ड, हाउ मच पेंट वॉज लेफ्ट इन द कैन ऑफ 700 ml, चलो करके देखते हैं, तो 45 ml का 3/1/3 उसने यूज कर लिया, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इसने दिया हुआ है टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन, तो पेन की टोटल क्वांटिटी इसने हमको 700 ml दी हुई है। आगे इसने बोला है वर्कर यूजेस, तो वर्कर ने कितना यूज कर लिया, वर्कर यूजेस
कितना यूज करता है वो, 3 होल 1/3 ऑफ 45 ml. वो 45 ml का 3 होल 1/3 यूज करता है टू बोर्ड ए पेंट टू पेंट और पेंट टू पेंट ए बोर्ड. तो हाउ मच पेंट वॉज लेफ्ट इन द कैन ऑफ 700 ml. तो 700 ml के कैन में कितना पेंट बचेगा. ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ. 9/3 45 से इसको मैंने किया मल्टीप्लाई, तो 15 का 45 का 5 और क्या ही 9 × 9 = 13. ठीक है, तो 45 का उसने इतना ml यूज कर लिया, तो कितना बचा. द पेंट वॉज लेफ्ट, पेंट वॉज लेफ्ट इक्वल्स टू 700 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5. और यहाँ पे 9 माइनस 3 इज 6, यहाँ पे बचा 6 प्लस 1 इज 5. तो 565 ml बचेगा. ठीक है, तो वर्कर यूज कर रहा 3 और 1/3 और 45. तो 3 और 1/3 का हमने निकाल दिया 1/7 = 195. ठीक है, एक बोर्ड को पेंट करने के लिए. अब इसने हमसे पूछा था अगर हमारे पास जो पेंट का बॉक्स है या पेंट का डब्बा है उसमें 700 ml पेंट है तो कितना पेंट बचा. तो इसको माइनस कर देंगे बस, आंसर आ जाएगा. एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट टर्न में करेंगे 7.6.